जैसे ही क्योंकि ऐसी संभावनाएं आ रही हैं कि जिस प्रकार से नया वेरिएंट्स है उसको लेकर हम लोगों ने पूरी यहाँ पर बैठक कर ली है, और उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी सबकी आरटीपीसीआर करवाएंगे, उनकी सबकी जांच करवाएंगे, और साथ में सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी आला अधिकारियों को, सभी को कह दिया गया है कि इसमें जो है कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमने एयरपोर्ट, हमारे रेलवे स्टेशन, इन स्थानों पर भी हम रैंडम करवाएंगे, और एक हफ्ते के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार की भी जान माल के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो उसके लिए जो ज़रूरी इंतजाम है वो सारे किए जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की सुरक्षा करना, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, वचनबद्ध है, और हम पूरे संवेदनशील हैं। इस मामले में कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। किस तरह की तैयारियां सर हमने की हैं? नहीं, सारी तैयारियां कर ली हैं, सारे जिलाधिकारियों को सब निर्देश दे दिए हैं, और जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा फील्ड में रहना पड़ता है सबसे पहले हम उन्हीं की जांच करवाएंगे, और एक हफ्ते के बाद पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। सर टेस्टिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्था? हाँ, टेस्टिंग बढ़ाएंगे हमारा। अभी चूँकि टेस्टिंग कम हुई है, हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की टेस्टिंग रोज की यहाँ पर हो, उसको लेकर जो जरूरी काम है वो अभी तय हो गए। लोगों में पैनिक ना फैले उसको लेकर भी आपने कुछ इस तरह अपील की है प्रदेशवासियों से? नहीं, जो जरूरी काम है अभी सभी को करने चाहिए, जो कि जो मास्क पहनना है या जो प्रोटोकॉल है इसके, उन सभी को हमने सभी से अनुरोध किया है, सभी से अपील की है कि सभी लोग उसका पालन करें, और कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और जो जरूरी स्वास्थ्य के जो इंतजाम हैं, जो हमारे अस्पतालों की स्थिति है या जो भी हमारे वार्ड इत्यादि हैं, उन सभी को कहा है कि हर प्रकार से उसकी तैयारी करें। नहीं, गन्ना किसानों का जो कि गत वर्षों की भांति जो है थोड़ा हमने अभी लेट जरूर हो गया, लेकिन 355 रुपये प्रति कुंटल हमने जो अगाड़ी प्रजाति की जो गन्ना है उसके लिए किया है, और 345 जो सामान्य जाति के जो प्रजाति के जो गन्ने हैं उनके लिए किया है, साथ ही 9.5 रुपये ढुलाई का भी किया है, और कुल मिलाकर 29.50 रुपये पिछले वर्षों की तुलना में किसानों को अधिक मिलेगा, और हमारे सभी गन्ना किसान इससे लाभान्वित होंगे। 50,000 गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। मैं सभी किसान भाइयों को क्योंकि शुभकामनाएँ देता हूँ, और किसान शुगर मिल सितारगंज जो पिछले 4 साल से बंद थी और उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया, आज मुझे बेहद खुशी है कि वो शुगर मिल चालू हो गई है। उसके चालू होने से 25,000 गन्ना किसानों को सीधे सीधे उसका लाभ मिलेगा। इसमें बनबसा, टनकपुर से लेकर खटीमा, नानकमता, सितारगंज, किच्छा, आसपास के सभी गन्ना उत्पादकों को उनका गन्ना आसानी से अब पेराई के लिए जा पाएगा, उनको उचित मूल्य मिल जाएगा, और ये मिल खुलने से उस क्षेत्र के लोगों का आर्थिकी का भी और व्यापार का भी दोनों का ही वहाँ पर फायदा होगा, लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे ही चूँकि ऐसी संभावनाएं आ रही हैं कि जिस प्रकार से नया वेरिएंट्स है उसको लेकर हम लोगों ने पूरी यहाँ पर बैठक कर ली है, और उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी सबकी आरटीपीसीआर करवाएंगे, उनकी सबकी जांच करवाएंगे, और साथ में सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी आला अधिकारियों को, सभी को कह दिया गया है कि इसमें जो है कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमने एयरपोर्ट, हमारे रेलवे स्टेशन, इन स्थानों पर भी हम रैंडम करवाएंगे, और एक हफ्ते के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार की भी जान माल के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो उसके लिए जो ज़रूरी इंतजाम है वो सारे किए जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की सुरक्षा करना, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, वचनबद्ध है, और हम पूरे संवेदनशील हैं। इस मामले में कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। किस तरह की तैयारियां सर हमने की हैं? नहीं, सारी तैयारियां कर ली हैं, सारे जिलाधिकारियों को सब निर्देश दे दिए हैं, और जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा फील्ड में रहना पड़ता है सबसे पहले हम उन्हीं की जांच करवाएंगे, और एक हफ्ते के बाद पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। सर टेस्टिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्था? हाँ, टेस्टिंग बढ़ाएंगे हमारा। अभी चूँकि टेस्टिंग कम हुई है, हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की टेस्टिंग रोज की यहाँ पर हो, उसको लेकर जो जरूरी काम है वो अभी तय हो गए। लोगों में पैनिक ना फैले उसको लेकर भी आपने कुछ इस तरह अपील की है प्रदेशवासियों से? नहीं, जो जरूरी काम है अभी सभी को करने चाहिए, जो कि जो मास्क पहनना है या जो प्रोटोकॉल है इसके, उन सभी को हमने सभी से अनुरोध किया है, सभी से अपील की है कि सभी लोग उसका पालन करें, और कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और जो जरूरी स्वास्थ्य के जो इंतजाम हैं, जो हमारे अस्पतालों की स्थिति है या जो भी हमारे वार्ड इत्यादि हैं, उन सभी को कहा है कि हर प्रकार से उसकी तैयारी करें। जैसे ही क्योंकि ऐसी संभावनाएं आ रही हैं कि जिस प्रकार से नया वेरिएंट्स है उसको लेकर हम लोगों ने पूरी यहाँ पर बैठक कर ली है, और उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स हैं
उनकी सबकी RT-PCR करवाएंगे, उनकी सबकी जांच करवाएंगे और साथ में सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी आला अधिकारियों को, सभी को कह दिया गया है कि इसमें जो है कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं। हमने एयरपोर्ट, हमारे रेलवे स्टेशन, इन स्थानों पर भी हम रैंडम करवाएंगे और एक हफ्ते के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार की भी जानमाल के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो, उसके लिए जो ज़रूरी इंतजाम है वो सारे किए जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की सुरक्षा करना, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, वचनबद्ध है और हम पूरे संवेदनशील हैं। इस मामले में कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। किस तरह की तैयारियां सर हमने की हैं? नहीं, सारी तैयारियां कर ली, सारे जिलाधिकारियों को सब निर्देश दे दिए हैं और जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनको सबसे ज़्यादा फील्ड में रहना पड़ता है, सबसे पहले हम उन्हीं की जांच करवाएंगे और एक हफ्ते के बाद पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। सर, टेस्टिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्था? हाँ, टेस्टिंग बढ़ाएंगे। हमारा अभी चूँकि टेस्टिंग कम हुई है, हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की टेस्टिंग रोज की यहाँ पर हो, उसको लेकर जो जरूरी काम है वो अभी तय होगा। लोगों में पैनिक ना फैले, इसको लेकर भी आपने कुछ इस तरह अपील की है प्रदेशवासियों से? नहीं, जो जरूरी काम है अभी सभी को करने चाहिए, जो कि जो मास्क पहनना है या जो प्रोटोकॉल है इसके, उन सभी को हमने सभी से अनुरोध किया है, सभी से अपील की है कि सभी लोग उसका पालन करें और कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो जरूरी स्वास्थ्य के जो इंतजाम हैं, जो हमारे अस्पतालों की स्थिति है या जो भी हमारे वार्ड इत्यादि हैं, उन सभी को कहा है कि हर प्रकार से उसकी तैयारी